हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित। ओपन माइंड स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे वीडियो में बने रहिए। PBI ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जो 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की रेखा जो होती है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ में? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो इसका सही आंसर होगा डी, कांच में। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही भव्य क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण? इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। अवतल दर्पण क्या करता है, माने कि प्रकाश को, किरणों को एकत्रित करके एक जगह फोकसित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तविक समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी बहुत ही विविध क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों किरण आरेख। क्या आंसर होगा? किरण आरेख। एक और क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश की किरणों को समूह को कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा होता है किरण पुंज। पर यहाँ पर सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा किरण आरेख। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, तो क्या आंसर होगा? अब जानते हैं कि P बराबर होता है 1 बाई F। हमको निकालना है फोकसांतर, तो F बराबर होता है 1 बाई P। क्या होता है? 1 बाई P। तो 1 बाई P यानी कि P का वैल्यू 1 बाई 2 है। कितना है? 2 है। तो भागा देते हैं तो 0.5 आता है। एक किस में आंसर आया? 0.5 मीटर में आया। तो 0.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? आपको पता होगा 0.5 मीटर बराबर हो जाता है 50 सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो जिस प्रकार इसके पीछे वाला वीडियो में निकाले थे उसी प्रकार निकालना है। यहाँ पर ही क्या कहते हैं, फोकस दिया हुआ है, एफ बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, पी निकालना है। पी बराबर होता है 1 बाई एफ। तो 1 बाई
50, एफ का मान रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। तो भागा देने पर जो आएगा हमारा वो, थोड़ा सा रुकिए, पी निकालना है, पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर होता है 1/f। और पहले आप 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका मीटर में कन्वर्ट करने से 50 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तो f की जगह 1/2 का वैल्यू रखिएगा, f की जगह 1/2 का वैल्यू रखिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि दो डायोप्टर हो जाएगा। परंतु दो डायोप्टर यहाँ पर क्या है, उत्तर लेंस है, तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी या इसकी क्षमता हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को कहा जाता है, इसके पहले ही हम बताए थे प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इससे पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, जिसके कारण +2d हमारा आंसर आया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अगर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसका सही जवाब होगा ए। अगला है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उत्तल लेंस को, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर यही क्वेश्चन रहेगा कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ गया अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जल, जल का प्रयोग किया जाता है, कांच, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, सी प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, इनमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए मिट्टी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस को बनाते समय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बताते हैं समतल दर्पण से वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, और अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों, यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर की ओर मुड़ जाती है दोस्तों बताइए। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर जाती है या अभिलंब के निकट जाती है या अभिलंब के समांतर रहती है या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिलंब के निकट जाती है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट यानी अभिलंब की ओर मुड़ झुकती है। तो आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं 21। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में, यह बहुत ही भव्य क्वेश्चन है टेंथ के लिए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या किस मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है ये भी क्वेश्चन रहता है। तो यह जो दर्पण है पीछे वाले व्यू को यानी कि गाड़ी के पीछे वाले बड़ा क्षेत्र के व्यू को छोटा सा एक दर्पण में दिखाया जाता है, इसी कारण इसका यूज किया जाता है ताकि बड़ा क्षेत्र को हमको पीछे का नज़र व्यू दिखाई देते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, एफ बराबर क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f, आर बराबर होता है 2f। तो देखिए हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 2 से एफ में गुना करेंगे आदमी 10 में 10 से गुना करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आप याद किए होंगे तो बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर सही? सी, निर्गत कोण। क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। अगला है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक के मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। तो बताइए आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या आधारित होता है दोस्तों? परावर्तन के नियम से आधारित यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। उल्टा तो वास्तविक न होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और यही पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो वह हमेशा उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अगर आप लेंस चैप्टर पढ़े होंगे तो उसके में क्या आंसर है? दो। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दो।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल, इसका आंसर क्या हो जाएगा अवतल, अवतल बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दाढ़ी बनाने में हमेशा किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको नहीं भूलिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो एक तो पी बराबर कितना हमारा दिया है 1, तो एफ बराबर होता है 1/P, तो 1/1 बराबर क्या आ गया 1 मीटर, ये मीटर में आंसर आता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमारा 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए हम बताएं इसके पीछे कि उत्तल लेंस का हमेशा जो क्षमता होता है प्लस में होता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी या -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों अवतल होंगे, क्या होंगे दोनों अवतल होंगे, याद रखिएगा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस के संभवतः क्या होंगे दोनों अवतल होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये पीछे हम करा चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अगर आप स्नेल के नियम पढ़े होंगे तब जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए साइन आई बटा साइन आर, स्नेल के नियम के अनुसार ये है साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ये गलत है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये तो अवतल होता है, किनारों के पीछे बीच का भाग मोटा, ये सही जवाब है, किनारों के पीछे बीच का भाग मोटा होता है उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है v/u होता है, क्या होता है v/u होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा v/u होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2f, r बराबर हमेशा क्या होता है 2f, तो r बराबर यहाँ पर 2f है, कहीं देखिए ऑप्शन नंबर ए में r बराबर 2f है, या f बराबर r/2 भी रहेगा तो आंसर वो भी होगा, तो f/r/2 है, कहीं f/2/r है पर r/2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सही r/2f। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका अवतल दर्पण का। अगला है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों बताइए, बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा b ऑप्शन नंबर b, वास्तविक और उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक होता है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस। लेंस का आप क्या कहते हैं परिभाषा पढ़े होंगे, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस कैसा रहता है, गोलीय लेंस रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है देखिए, ऐसा होता है, यहाँ से प्रकाश आता है और ऐसे जाता है। तो बाहर की तरफ ये बकरीत है ना, बकरीत का मतलब निकला हुआ यानी टेढ़ा, तो बाहर की तरफ ये बकरीत है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है। गोलीय जैसे एक कोई दर्पण है देखिए, ये कोई दर्पण है, इसके वक्रता परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, मान लीजिए एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है यानी प्रधान अक्ष, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पर केंद्र को क्या कहा जाता है, इसको पी से सूचित किया जाता है, जिसका हिंदी नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। इंग्लिश में पोल इसको कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कि आवर्धन एक मात्रकहीन है, क्या है, मात्रकहीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मात्रकहीन, ऑप्शन नंबर डी, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें, ये कोई लेंस है, ये प्रधान एक्सिस है, और ऐसे ऐसे एक यहाँ पर ही आप ओ से निरूपित करते हैं, ओ से, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश कोई आता है तो वो बिना विचलन के सीधा निकल जाता है, जैसे कि ये बिना इन्हें उन्हें हुए सीधा निकल गया, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो आप दर्पण सूत्र पढ़े होंगे, आप दर्पण सूत्र क्या पढ़े होंगे, एक वटा भी बराबर एक वटा यू प्लस एक वटा एफ, यही होता है दर्पण सूत्र। तो इसमें कौन सा है, ए, क्या है, ए है आंसर। तो आप दर्पण सूत्र हमेशा याद रखिएगा, ये सिद्ध करने के लिए भी आता है 5 नंबर में, तो सिद्ध करने के लिए आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हीरा छूट गया, गोलीय दर्पण इसके वक्रता केंद्र को, यहाँ पर ये एफ है, ए पी है, ये एफ है, वो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सी, ये क्या है, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सी आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, यहाँ पर चाल हो गया है, चाल होना चाहिए, चाल होना चाहिए,
तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया, आशा है कि आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबाकर ज़रूर ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।